जैसे हमने पहले बताया था कि हम लोग अभी नए ट्रिप पे जाएंगे, अगले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था। अब हम ये नए ट्रिप पे जा रहे हैं, पर हम लोग कम से कम आधा पौना घंटे से वेट कर रहे हैं हमारे मेंबर का। लास्ट टाइम हम लोग उसको लेके नहीं गए थे केदारनाथ की ट्रिप से, किस टाइम वो हमसे बदला उठाता है। आधे घंटे से खड़ा किया, आ रहा हूँ, तैयार हूँ, पहुँच गया हूँ, बस निकल रहा हूँ। अब क्या मालूम उसकी वाइफ साथ में है तो दोनों बाबू छोला खेल रहे होंगे कि बाबू मैं ये वाला शर्ट पहनूँ क्या, बाबू मैं ये वाला पैंट पहनूँ क्या, उसमें वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके बारे में अगर मैं विवेक को बोलता हूँ तो विवेक उसको बहुत ही सपोर्ट करता है और मेरी बात दबा देगा, पर अभी जो आधा घंटा वेस्ट हो रहा है और हम लोग को आगे ट्रेन नहीं मिलेगी, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार अभी आते ही मैं आपको उससे बात कराऊंगा कि किस वजह से वो लेट हुआ, और वो अपनी उस वजह की 10 वजह बताएगा जिसमें से एक भी जस्टिफाई नहीं रहेगा। तो वो लोग आ रहे हैं जो हमको आधा पौना घंटा से खड़ा रखा है, पूरा विशाल और वो के साथ उसकी अर्धांगिनी, ये दोनों हमको आधा एक घंटे से वेट कर रहे हैं। एक रिक्शे में 4 लोग चले, सही बात है ना? रेडी। तो दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं दादर स्टेशन, ठीक है। सभी हमारे जितने भी मित्र थे वो भी पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हमारी ट्रेन का नंबर है 02101। ये है मनवाड़ से, दादर से मनवाड़, मतलब नासिक रोड। और अभी ट्रेन के अंदर का भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ बुकिंग नंबर है और किसका अलग से सीट मिल गया है। और हमारे दो यात्री हमारे साथ हैं जो कुछ बाय कर रहे हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। उधर घुमाइए कैमरा में, देखिए किसमिश ले रहा है, किसमिश की बिस्किट ले रहा है, एक बॉबल ले रहा है, और एक शायद से मेरे हिसाब से 2020 या मिल्क पीजे भी ले रहा है। हम एक बिस्किट, हम 3 बिस्किट ले रही हैं, एक किसमिश ले लिया, एक हाइड एंड सीक बा, और एक क्रीम वाला बिस्किट बा, जिम जैम। देखिए खाए देखिए खाए और एकदम मन हमारा जियरा मान जाए। बट हाँ हाँ, बट हमके ही नहीं के समझ में आ कि हमारे साथ एक हमारे दोस्त मित्र मिसिंग बा, उनका नाम नीलेश बा, नीलेश, और एक और मित्र बा हमार निसार पटेल, वो ससुरा बिहार के चक्कर में हमारे साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ था एक्चुअली, हुआ क्या था? मतलब मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि निशान यहाँ क्यों नहीं आ पाया, जबकि उसकी टिकट भी कंफर्म थी। निशान की शादी होने वाली है तो निशान अभी आज कैटरिंग के पास जाने वाला है। कट होएगा प्लीज, कट कट। ये है विशाल, ये हमारी हमारी मेहरारू, ये हमारी मेहरारू है। दीपाली आप कैसे बताओ, आप ये ट्रिप में कैसे आए, आपका कैसा आगमन हुआ, और फिर चलते चलते बात करना है यार, ये ट्रेन एक्चुअली यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो सीटिंग है ना, ये बैठने लायक स्मार्ट बॉय, ये जो इंडियन रेलवे का जो ये टॉयलेट बना है दो, ठीक है। तो यहाँ क्यों खड़े हम, आगे से चलना है थोड़ा। मेरे को पहले बता दें कि मैंने कंप्लेंट मारा है, ठीक है। ये जो ट्रेन नंबर है 02101, ठीक है, ये मनमाड़ तक जाएगी। तो गोरा हो गया, बहुत ज्यादा गोरा हो गया अचानक, पता नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं सेटअप किया इसने। मैं गोरा नहीं हूं,
इगतपुरी यहाँ दिखाई है, इगतपुरी आ गए हैं, ट्रेन पहुंच गई है, हमने सोचा था कि बट अभी वी आर वो किधर है ना डिले। हाँ, भूसावल के केले ढूंढ रहे हम, किसी के पास भूसावल के केले नहीं है क्योंकि हमारे विवेक के पास 108 ज़ूमएक्स वाला कैमरा है, तो अगर हम इसे ज़ूम करेंगे तो वी विल फाइंड दैट प्लेस जहां पे केले मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है केले, भूसावल के केले दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, भूसावल के केले दिख रहा है। ज़ूम आउट करो, ज़ूम आउट करो, बस हो गया, ज़ूम आउट करो, वीडियो की वाट मत लगाइए, ठीक है। हमेशा अपनी शक्ल देखना जरूरी नहीं है, लोकेशन पे दिखाइए, खाली अपनी आवाज होनी चाहिए। ट्रेन पहुंच गई है, ठंडा मौसम है, समोसे भी है यहाँ पे, मौसम बहुत ही सुहाना है, मौसम है। और ट्रेन अभी आई है, 3 मिनट का लोग स्टे बोलते हैं, पर ये 3 मिनट कुछ नहीं है। मैं सोचा था कि ये क्रॉस करके, देखिए सामने, मैं सोचा था कि ये क्रॉस करके और इनके पास जाके कुछ खाने का सामान लेके आऊं, पर मुझे ऐसा समझाया गया। ये होटल में आ गए हम खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत लोगों ने नाटक किया, उसके बाद हमको टाइम मिला तो हम यहाँ आवाज आ गया। इसका नाम बता पाएंगे प्लीज? हाँ, नाम बता दो। पहले हमको रूम पसंद नहीं आ रहे थे, पहले रूम वाले ने नाटक किया, ठीक है। किरण नाम है उसका। हाँ, 1600 बोल के हमको ऊपर लेके गया, 1800 बता दिया। फिर हम लोग ने एक नया रूम, दो हमारे साथ दो साथ मेम्बर हैं, विशाल और दीपाली, शूटर दीपाली, मतलब खाली दीपाली ने हमको बताया कि हम लोग आश्रम के उधर, हम वहाँ गए तो आश्रम वाला भाव खड़ा था, वो बात करने को रेडी नहीं था, हाँ कुछ नहीं, दीपाली को साइड में बैठा दिया जैसे कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हम लोग गए और मैं एक जगह से, कौन सा नाम है भाई बोलो, प्रेमती तृप्ति ऐसा कुछ तो था, ठीक है। वहाँ हम लोग गए और वहाँ हमको मिला लॉज, उसने बोला पर्सन इज किरण, किरण उसने बोला 1200 रुपये में आपको 4 बेड, पर फिर वही प्रॉब्लम हो गया क्योंकि कम्फर्ट और डिसकम्फर्ट था, तो विशाल को नाम नहीं था, मैं तेरा नाम नहीं था, शुरू ही खत्म हो गया बोलो। हाँ, विशाल को कंफर्ट नहीं था, विशाल को कंफर्ट नहीं था क्योंकि दीपाली को कंफर्ट नहीं हुआ था, तो वो दोनों क्या अर्धांगनी और अर्धांगनी है, तो हमने फिर दोनों रूम लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लगा हमको भी। फिर हम खाना खाने एक जगह थाली के दरमियान, तो वहाँ भी हमारा दो दोस्त है, वो आया हमारे साथ पर कुछ बोला नहीं और पीछे से टोच मारा कि यहाँ मुझे, ठीक है। फिर हम लोग आए त्र्यंबकेश्वर, फिर आगे तो बोलो, हम लोग ने सब्जी पूछी, हमने सब्जी पूछी, एक बोलता कि सेव टमाटर आलू जीरा आलू मैंने कभी खाया नहीं, अरे भाई अच्छी अच्छी सब्जी होती है, तुमने नहीं खाया वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, पर हमको तुमको बताना पड़ेगा, नहीं नहीं सही बात है, वीडियो खराब होता है, तुम्हें हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो हम उसको अपना मेन्यू चेंज करेंगे कहीं और जाएंगे, तुम अपने मन में बात रखोगे, मन को पढ़ नहीं सकते। फिर हम आए त्र्यंबकेश्वर में, वहाँ भी ये नहीं बता रहा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, अब मैं हाथ धो के आता हूँ, तो फिर खाना खाने मिलेगा, मेरा हाथ धो के आया, मेरा एक दोस्त है, क्योंकि मुझे हाथ धोना पड़ेगा ना, तो ये मुझे खाना खाने नहीं देगा, मेरा खाना मुँह से निकाल देगा। बस बस, तो अब हम आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास, पीछे हम सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, और आप देख सकते हैं दुकानें कुछ खाली हुई चालू है और कुछ दुकानें बंद हो गई है, इधर देखिए यहाँ तरफ अभी कड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे झालर मिल रहे हैं, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, पानी का बॉटल भी मिल रहा है, पानी का बॉटल, मंदिर के फोटो ये सब मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए ओम महादेव के मंदिर के टी शर्ट भी मिल रहे हैं और कुर्ता भी मिल रहा है, और एकदम सुनसान सा हो गया है, वक्त हुए अराउंड अभी यहाँ पे 11:30-12 बजने को आ गया, लोग अपने अपने लॉज में चला गए, लॉज का भाव बहुत महंगा है भाई, पर आप समझ जाओ एकदम छोटे छोटे रूम 3500-4000 ये भाव चालू है, उसमें भी हमें पसंद नहीं आ रहे, तो आप सोचो कि कैसे कैसे चल रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारे गीता लॉज चलते हैं, गीता ही लॉज हम आए नहीं, आप लॉज का शक्ल देखिए, आप लॉज का शक्ल देखिए और आप अंदर चले जाओगे 4000 बोलेगा, छोटे छोटे रूम है। अब ये देखिए एक स्टोर पे स्टॉल पे आए हैं, ये हर स्टॉल पे खड़ी हो जाती है, लेना वेना तो कुछ नहीं है, मैं इधर एक्चुअली ऊनो कार्ड ढूंढ रहा था, जो कि इस पूरे त्र्यंबकेश्वर में मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है, द ओनली कार्ड जिसे हमें खेलना आता है, बाकी कोई कार्ड नहीं है हमारे पास, ये लड़की है जो हर स्टॉल पे रुक जाती है, इससे खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, बस
नहीं, उसको ना एक पर्स पसंद आया था, एक वो भगवान का घंटा पसंद आया था, दिलवा देना विशाल। ठीक है चलो आ गया भैया। रात में यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग है, बहुत शांति है यहाँ पे। ये नासिक सिटी से नासिक स्टेशन से थोड़ा दूर है, अराउंड 40 किलोमीटर है। हम टेम्पो या रिक्शा रिक्शा कर सकते हो, उसमें फोन सीटिंग में हमको सवा घंटे से डेढ़ घंटे के करीब लगा। फिर कोई था मुझे चाय पीने, मुझे लगा उसमें रहेगा, उसको बोला भी मैंने कि अदरक वाली चाहिए क्या, तो जिस तरीके से कुत्ते को घिया जमनी होती है वैसे इस आदमी को उदाहरण देना जरूरी था। इस आदमी को बुलाना, पर विशाल को घिया जम होता है जबकि उसने अभी क्लेम किया कुत्ते को घिया जमनी होता है, तो विशाल को घिया जम होता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। भक्ति मुक्ति का आधार है और मुक्ति तो केवल समर्पण से ही संभव होगी, और समर्पण के लिए पुष्प थे, स्वर्ण थे, आभूषण भी थे, रत्न धन विधि विधान ने, केवल अपने मन को अर्पित करना अनिवार्य है। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम, हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा। देव देव महादेव शिवा, देव देव
अपने बहुत अच्छे दर्शन त्रिम्बकेश्वर में होने के बाद वहाँ से निकल चुके हैं हम हमारे साथियों के साथ। अब हम आ चुके हैं पंचवटी। आप ये देख सकते हैं, यह तरफ देख सकते हैं पंचवटी में बहुत सारे कुंड है। ये गोदावरी नदी का हिस्सा है, पीछे भी कुंड है, आप यह तरफ देख सकते हैं। ये तरफ कुंड है, ये तरफ कुंड है, वहाँ से देखिए पानी आ रहा है। यहाँ पे लोग अपने दोष मिटाने, ठीक है, जैसे कि हरिद्वार में घाट होते हैं, वाराणसी में घाट होते हैं, वैसा ये नासिक में घाट है। जब कुंभ लगता है तो यहाँ आते हैं अपने पितृ दोष हटाने के लिए, वो अपने मुंडन करवाने के लिए, जैसे इसी केस में जा रहे हैं हरिद्वार में, वहाँ यहाँ भी आते हैं। और यहाँ पे सुख है, शांति है, मेला लगा हुआ है, हज़ारों की तादाद में लोग हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पे बहुत ही पौराणिक मंदिर हैं। यहाँ ये तरफ देख सकते हैं, आप इधर भी देख सकते हो, ये सब जो भी यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई है हज़ारों साल पुराने हैं। ठीक है, आप ये तरफ देखिए, ये भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही विख्यात मंदिर है, उनकी महिमा बहुत ही निराली है। हम थोड़े बाद उसके अंदर आपको दर्शन कराने भी लेके जाएंगे, क्योंकि अभी वो घूम के जाना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तब तक आपको हमारे जो DOP है मिस्टर विवेक धाकड़, आपको यहाँ के थोड़े लोकेशन का अपने वीडियो में कैप्चर करवाए। जैसे आप दूर देख सकते हैं वहाँ पे एक और भोलेनाथ मंदिर है। यहाँ लोगों को आने का, लोगों का सपना होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे आके विश्राम कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि यहाँ पे क्या नहीं भी करूँगा। हमने इतना सफर किया ना एक टैक्सी में, 8-8 लोग, इतनी सीट नहीं है, उससे ज्यादा लोग थे उस टैक्सी में, तो उस वजह से हमारे जो शरीर के जो अंग बदन जो है ना एकदम जकड़ चुके हैं। हम यहाँ बैठ के उस बदन को ढीला कर रहे हैं और इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी बैठिए, आप एक काम करिए, आपने वहाँ ट्रेन से उतर चुके हैं। ये हमारी ट्रेन है लोकमान्य तिलक हरिद्वार एक्सप्रेस, जो ऑलरेडी कम से कम ये 3-3.5 घंटा लेट थी। हम थक के चकनाचूर हो चुके हैं, अब हमें पता नहीं यहाँ से आगे कैसे जा पाएंगे, क्योंकि सारी ट्रेन सर्विस बंद हो चुकी है जिस हिसाब से ये आए हैं। ठीक है, उस हिसाब से तो ये मतलब मुझे ऐसा लगा कि हम घर पहुँच ना पाए। हम सोच रहे कि ओला कर ले या उबर कर ले, पर हमारे साथ एक्सपर्ट है, कुछ नहीं आ रहा है, पर वो बोल रहा है हमको कैसा करके वो हमको घर पहुँचा देगा। अभी बज रहे हैं रात के 1 बजे, आगे का ओवर टू हमको घर जाके बताएंगे।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जर्नी यहाँ पे एंड हो चुकी है जो कि तकरीबन 3.5 घंटे लेट चलते हैं विच वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन कि हम पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं फिर भी हम इस सफर का सफर लिए जा रहे हैं तो अभी हम यहाँ से एक लेंगे लोकल ट्रेन आगे कैसे जाएंगे वो बताओ हम लेंगे यहाँ से लोकल ट्रेन जो कि हमें सिर्फ 10 रुपये में हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी वहाँ से हम लेंगे 15 रुपये की शेयरिंग चलिए ये तो हो जाएगा।